हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं नाइट व्यू दिखा रहा हूँ पाटलिपुत्र स्टेशन का। देखिए कितना खूबसूरत है ये पाटलिपुत्र। देखिए लाइटिंग की व्यवस्था, देखिए LED डिस्प्ले भी है, सब कुछ है। चलिए मैं कुछ पहले FOB से जो नया वाला बन रहा है वो दिखाता हूँ कि नया वाला FOB का क्या कंडीशन है। और यहाँ पर लिफ्ट भी है, तो चलिए देखिए कितनी शानदार और कितना PPT है पाटलिपुत्र स्टेशन का। यहाँ से लगभग 5 ट्रेनें खुलती है और लगभग 30 से 35 ट्रेनों का स्टॉपेज है यहाँ पे। और वो जो ट्रेन है इस रूट में जो मैं चल रहा हूँ, तो ये सोनपुर साइड है, यहाँ से भरपूरा है। भरपूरा से दो ट्रेन रूट कट जाती है, एक छपरा की ओर चली जाती है और एक सोनपुर की ओर चली जाती है। और अभी कुछ खूबसूरती ऐसा है, देखिए नाइट में कितनी बेहतरीन इसकी खूबसूरती है। देखिए बड़ा ही शानदार पाटलिपुत्र स्टेशन। हालांकि अभी पैसेंजरों की भीड़ नहीं होती है क्योंकि ये इवनिंग टाइम है, मॉर्निंग में रहती है। लेकिन चलिए दिखाता हूँ। सुविधा की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, इस तरफ खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये जो देख रहे हैं तो ये एरिया भी, मैं सबसे पीछे हूँ इसीलिए होटल वगैरह सब इस साइड मिलेगा आपको खाने पीने के लिए। और इससे मैं टोटल अभी प्रेजेंट में 5 प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, और ये मेन आगे का लुक है इसका। तो चलिए कुछ नीचे से दिखाऊँगा आप लोगों को। तो ये सब अभी लिफ्ट का कार्य चल ही रहा है, इस पर लिफ्ट लगाने के लिए। और जो नया वाला FOB है, पता नहीं उसका कब इनॉग्रेशन होगा। वो नया वाला FOB जो है वो इस साइड बन रहा है, तो अभी भी जस्ट कत्ता से नया वाला FOB। देखिए आप, ये कि पहले से ज़्यादा पाइलिंग हो चुकी है। चलिए कुछ इस तरफ से दिखाता हूँ। पाटलिपुत्रा पे स्टेशन पे आपको नया देखने को मिलेगा। देखिए आप, ये LED स्क्रीन लगा हुआ, ये एक अच्छी चीज़ है। तो भले क्लियर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं जूम करने की कोशिश नहीं हो पा रहा। देखिए अब क्लियर है। तो ये एक नया चीज़ है पाटलिपुत्र जंक्शन पे। चलिए इस साइड दिखाता हूँ। यहाँ पे लिफ्ट बनाने की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट है, खाली ऑपरेशनल होना बाकी है। और सब पे LED लगाया हुआ है, ये मैं पहली बार स्टेशन पे देख रहा हूँ। पटना में TV लगाया हुआ था, जबकि ये TV नहीं है। और ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। नाइट का व्यू देखिए कितनी शानदार है। और लाइटिंग की व्यवस्था देखिए आप, ये शायद डॉग डैमेज हो गया है, एक जगह पड़ा हुआ है काफ़ी देर से, तो पड़ा हुआ है, शायद चोट लग गया होगा, तो शायद डैमेज हो गया। बैग मैं इसे हकाने की कोशिश की, नहीं भागा। तो FOB का कंडीशन आप देख सकते हैं। और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं चल रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत और शानदार है पाटलिपुत्र स्टेशन। उस तरफ मेन इसका एंट्रेंस है, देखिए आप। चलिए कुछ और दिखाता हूँ। नया वाला FOB के लिए कार चल रहा है, देख सकते हैं आप। लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई है, शायद ये चालू हो जाए। हालांकि ये चालू होने में तो इसे 2 महीना काफ़ी था, लेकिन खैर वो तो किसी वजह से छूट गया। वो उस साइड मेन एंट्रेंस है, लेकिन देखिए आप, एक कार है बढ़ा इस साइड, ये नया जुड़ा है। तो लाइट वगैरह की व्यवस्था कर करके आगे का पिलर का कार कुछ बढ़ा है। तो पहले से पैलिंग की व्यवस्था कुछ ज़्यादा हुई है, देखिए आप। इस साइड भी पैलिंग की व्यवस्था की जा चुकी है। और मेरी ट्रेन आई है बिफोर, वो लगभग आधा घंटा बिफोर, ये ट्रेन बिफोर चलती है, तो उसमें भी आधा घंटा देरी है खुलने में। तो मैं सोचा पाटलिपुत्र जंक्शन का वीडियो बना लूँ। कितनी शानदार और खूबसूरत है, चमक दमक है, पूरे अच्छे तरीके से एकदम न्यू मॉडलाइज है, काफ़ी हवादार है ये स्टेशन। पहले भी इसका मैं कई बार अपडेट दिया, पूरे तरीके से ये सेट से घेरा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म से एक FOB से दूसरे FOB तक। देखिए आप, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की सारी सुविधा उस साइड है, होटल वगैरह उस साइड है। और इस तरफ अभी 47 ही हो रहा, तो अभी मेरे पास लगभग 25 मिनट टाइम है इस स्टेशन को दिखाने के लिए। तो मैं इस तरीके से, हमें अगर चांस मिल जाए तो एक एक स्टेशन में दिखा दूँ इस तरीके से। तो FOB का तो कार्य दिखाया, चलिए कुछ ऊपर से दिखाता हूँ। तो इस तरफ में भी किसी तरह का भी कार्य नहीं हुआ, सरिया वगैरह बाहर आ चुका है। और इस तरफ दानापुर है, ऐसे रूट कर जाती है, इस तरफ पटना है। और सामने भी लाइटिंग की अच्छी खासी व्यवस्था की गई, और वो मेन रोड है। इस तरफ दीघा की ओर चले जाइएगा, और इस तरफ दानापुर या फुलवाड़ी की ओर चले जाइएगा, या बिल्ली रोड की ओर चले जाइएगा। और ये यहाँ का सेकंड FOB है। तो ये FOB का जो सिलसिला है, ये एक ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें एक नया हो सकता है इसे इसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे इसका कार्य चलेगा, कभी जुड़ेगा तो मैं दिखाऊँगा। ये पाटलिपुत्र देखिए, लगभग 11 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाई ओवर है, बड़ा ही शानदार है। गाड़ी इस पर आराम से आप 80 का चला सकते हैं। और इस तरफ से आप बाहर निकल जाइएगा, जहाँ से आपको पटना के लिए गाड़ी मिलेगी, राजा बाजार के लिए गाड़ी मिलेगी, बस स्टैंड के लिए गाड़ी मिलेगी। और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है,
कि देखिए कितनी लाइटिंग है यहाँ पे, लाइट की अच्छी खासी व्यवस्था है। इस तरफ स्टेयर वाला है और इस तरफ एस्केलेटर वाला है, तो मैं चलूँगा एस्केलेटर वाला से उतरूँगा। फ़ायदा उठाना चाहिए कभी कभी मौका का। तो देखिए आप एक शानदार व्यू विथ टीपू सुल्तान के साथ। यहाँ का बाहर का ये जगह है, गाड़ी वगैरह आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए इस तरफ पटना है, तो पटना के लिए बस स्टैंड के लिए, पटना का बढ़िया बस स्टैंड के लिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये पाटलिपुत्र स्टेशन, ये भी दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा बाहर का लुक दिखा दूँ। खाने पीने की सारी सुविधाएँ, होटल वगैरह सब है यहाँ पर। देखिए आप गांधी मैदान 11 किलोमीटर, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट भी है, जन सुविधा सब कुछ है। जो स्टेशन ये अभी रोड भी नया बना है, पहले ये बना हुआ नहीं था। और इस तरफ अभी अंधेरा पड़ रहा है, लेकिन इस तरफ ही मेन पटना है और इस तरफ कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। ये अभी ब्लॉक है, लेकिन फ्यूचर में चारों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। देख सकते हैं आप खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, तो मैं दिखाना चाहा। चलिए अब कुछ अंदर से भी टिकट काउंटर वगैरह दिखाऊंगा। यहाँ पे होटल भी खुल गया है, एसी नॉन एसी। देखिए आप, ये इसका मेन इंट्रेंस है जिससे मैं चलूँगा और दिखाऊँगा आप लोग। यहाँ से मेन इंट्रेंस है, ये हमारा प्यारा झंडा है। अभी हवा चलेगा तो बड़ा खूबसूरत रहेगा पाटलिपुत्र जंक्शन। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टेशन पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि अभी स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा लगा है और काफ़ी हरा भरा स्टेशन है। देखिए आप पेड़ पौधे की कलाकृति, किस तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए, खूबसूरती है, हरियाली है। यहाँ पर एक डेस्क बोर्ड भी, ऊपर में बोर्ड भी लग गया है जिसपे ट्रेनों का डिटेल दिया जाता है। इसको बोर्ड का नाम क्या है ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक बोर्ड हम बोल सकते हैं इसे। 3 इंट्रेंस है, एक उस साइड से मैं आपको लेकर के गया और ये मेन इंट्रेंस है और इस साइड एक इंट्रेंस है। फ्यूचर में और इस साइड बढ़ेगी, जो टिकट काउंटर है वो सब कुछ इस साइड है। यहाँ पर पंजाबियों लोग का एक जत्था आया है, देख सकते हैं आप। यहाँ है मेन टिकट काउंटर और देख सकते हैं आप, सब कुछ है यहाँ पर। इस तरह पूछताछ है, इंक्वायरी है, देखिए कितने सारे लोग हैं। चलिए, एक शानदार व्यू पाटलिपुत्र स्टेशन का जो मैं अपने माध्यम से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस तरफ वेटिंग हॉल भी है और ये गेट नंबर 2 है, ऐसे प्लेटफॉर्म नंबर ये 1 है जिस पे मैं चल रहा हूँ, और 5 से लेकर आया फिर 3-4 है। तो खाने पीने की सुविधा मैं फिर से बताया कि इससे बाहर निकलेगा तो आपको मिल जाएगा। और देख सकते हैं आप, ज़्यादातर जो गाड़ियाँ खुलती है यहाँ से वो 1 से ही खुलती है, जो यहाँ से खुलती है। बाकी जो सोनपुर की ओर जाती है तो वो 5 पे आती है और 4 पे आती है या 3 पे आती है, फिर उस तरीके से वो आती जाती दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है, 3, 4, 5 पे। ये जो है ये 1 पे आई है क्योंकि खाली है, इसीलिए ये गेट नंबर 3 है इधर। देखिए कितनी शानदार है लाइटिंग की व्यवस्था है, ये LED बल्ब लगा हुआ, LED मर्करी लगा हुआ ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में है यहाँ पर, बड़ा ही खूबसूरत और शानदार। तो मैं पूरा चारों तरफ घुमा दिया आपको। चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और आपके साथ मिलूँगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।